दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह मिली है। वे लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहे। IPL 2022 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। मालूम है कि 37 साल के कार्तिक 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। अब वे 15 साल बाद फिर दमखम दिखाने को तैयार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को दिनेश कार्तिक के T20 वर्ल्ड कप में चुने जाने पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आपके लिए हमसे अधिक खुश और कोई नहीं हो सकता। स्पेशल खिलाड़ी का स्पेशल कमबैक। इस पर कार्तिक ने जवाब देते हुए लिखा, धन्यवाद RCB, मेरी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बनने और मेरे सपने को हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए। RCB के सभी प्रशंसकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो RCB चिल्लाते रहते हैं तब भी जब मैं टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई लव यू दोस्तों।